मैं इसको अभी कैमरा सिखाने वाला हूं और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कैमरा चलाना सिखाऊंगा। मीन्स आप मात्र 2 मिनट के अंदर आप इसको चलाना सीख जाओगे। मीन्स आप किसी का भी फोटो क्लिक कर सकते हो और काफी परफेक्ट तरीके से फोटो को क्लिक कर सकते हो। वो ट्रिक किसी को भी देते हो, मीन्स छोटे बच्चे को भी देते हो, तो वो भी फोटो क्लिक कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ सैंपल फोटो क्लिक करके। और अब कैमरा है तो इसमें बहुत सारा सेटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीन्स आप इसके सेटिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हो, लेकिन इतना तक हो जाएगा कि आपको कोई भी बोल नहीं सकता कि आपने मेरा फोटो ब्लर खींच दिया या मेरा फोटो अच्छा नहीं है। ऐसा आप लोगों को मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर कैमरा चलाना सीख सकते हो। आप लोगों को दोनों तरीका से बताऊंगा, आप अपने फोकस को एडजस्ट करके कैसे कर सकते हो, और विदाउट फोकस को एडजस्ट करके अगर आपको टॉप लेवल का थोड़ा फोटोग्राफी करना है तो आपको थोड़ा सा ये फोकस वाले को मूव करना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो कोई नहीं, फिर भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो। उसमें फोकस वाले में ऐसा होता है कि मैं कभी कभी फोटो क्लिक करता हूँ, जैसा कि ये मेरा प्रोडक्ट है तो मैं सामने दिखाता हूँ और मेरा फेस ब्लर होता है, या फिर मेरा फेस अच्छा आ रहा है ये ब्लर है। उस टाइप का फोटो को कैसे आप क्लिक कर सकते हो वो भी मैं कैसे बताऊंगा। फोटो क्लिक करना है ताकि आपका ऑब्जेक्ट या इंडोर और आउटडोर में परफेक्ट फोटो क्लिक कर पाओगे, तो फर्स्ट आप देख सकते हो बटन दिया हुआ है जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हो। मीन्स जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये फोटो क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मीन्स अगर मैनुअल में है या ऑटो में है, कोई सा मोड में है, तो आप इसको मूव करके फर्स्ट इस वाले सेक्शन में लेके जाना है, फोटो वाले सेक्शन में लेके जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेशन देखने को मिलेगा व्हाइट कलर का, मीन्स इसके जो सामने रहेगा। एक मैं ट्रिक बताया कि इसको फोटो मोड में लेके जाना है। अगर आप इसको मैनुअल में लेके जाते हो, ऑटो में लेके जाते हो, तो वो काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मीन्स लेफ्ट साइड करोगे तो जूम इन होगा, राइट साइड करोगे तो जूम आउट होगा। ट्रिक है कि आप फोटो मोड में लेते जाना, ये फोटो मोड में चला गया। दूसरा ट्रिक है, जब भी आप इसको क्लिक करो, ये 2 मोड से क्लिक होता है। एक तो प्रेस किए रहोगे तो ये क्लिक हो जाता है, और एक थोड़ा सा क्लिक करना है। थोड़ा सा मीन्स ये आप एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। जैसा कि ये हुआ थोड़ा सा क्लिक, मैं थोड़ा सा क्लिक किया हूं और क्लिक किए रखा हूं। मीन्स आपको भी क्लिक किए रखना है, उसके बाद ही क्लिक किए रखे में आपको पहले ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, उसके बाद फिर लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो मीन्स ये 2 मोड से क्लिक होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को इंडिविजुअल क्लिक करूंगा, और साथ में भी आप क्लिक कर सकते हो। साथ में होता है कि आप दोनों परफेक्ट तरीके से कर लोगे, लेकिन सिंगल में अच्छे से आना चाहिए करने। तो दोनों परफेक्ट तरीके से फोटो कैप्चर हो रहा है, लेकिन मेरे को एक फोटो क्लिक करना है, मीन्स दोनों में से एक करना है, जूम इन कर लेना है। फोकस एडजस्ट करोगे तो काफी दिक्कत होता है। मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ इसीलिए मैं तुरंत कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको एडजस्ट नहीं करना है। अभी ब्लर दिख रहा है, आपको बटन को थोड़ा सा क्लिक किए रखना है। आप देखो ऑटो फोकस ले लेता है, ऑटो फोकस लिया और मैं उसको प्रेस किए हूँ, ये मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये फोटो क्लिक हो चुका है। किए रहना है हल्के में, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है। और जब आप इतना सीख लेते हो तो आपको थोड़ा अपने स्किल पे इम्प्रूवमेंट करना है, और वो इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फोकस वाला नॉब दिया हुआ है तो इसको आपको एडजस्ट करके इसको फोटो क्लिक करने आना चाहिए। जैसे कि मेरे थंबनेल में आप देखते होंगे, कोई कोई थंबनेल प्रोडक्ट को सामने साइड दिखाता हूं और मेरा फेस ब्लर रहता है। यहाँ पे हाथ रखना है नॉब में जिससे फोकस एडजस्ट होता है, और दूसरा फिंगर रखना है आप जिससे कैप्चर करते हो फोटो। आपको हल्का सा क्लिक किए रहना है जिससे फोटो क्लिक करते हो, और इसको रोटेट करना है। हल्का सा क्लिक किए रहने में रोटेट करना है। मैं अभी तक उस बटन को क्लिक किए रखा हूं, और जैसे ही आपका फोकस हो जाएगा, जैसे कि ये कफ है और पीछे साइड चेयर है, और चेयर अभी ब्लर दिख रहा है, तो अगर ब्लर नहीं दिखे, चेयर को अच्छे से लाना है और कप को ब्लर करना है। तो वो कैसे करोगे, जिसे फोटो क्लिक करते हैं उसको क्लिक किए रखना है, फोकस को एडजस्ट करना है। आप देख सकते हो डायरेक्ट चेयर पे फोकस कर लिया है और ये मेरा कप ब्लर है। आप उसके बाद लॉन्ग प्रेस कर देना, फोटो इजिली क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे करके आप काफी इजिली फोटो क्लिक कर सकते हो। फूल का फोटो लेने वाला हूँ, मीन्स मैं नहीं लूंगा, लेगा अमित। और इसको कैसे लेगा सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अमित रेडी हो जाओ, फोटो लो। तो आप देख सकते हो ये अभी जूम है, जूम आउट है, अभी इसको जूम कर रहा है फोटो को। मीन्स फोटो को परफेक्ट तरीके से लेने के लिए जूम कर रहा है। अब इसको फोकस पे क्लिक करेगा और आप देखना पीछे वाला पूरा ब्लर हो जाएगा फोटो, और सामने वाला पूरा परफेक्ट तरीके से फोटो आएगा। और देख सकते हो मीन्स थोड़ा
थोड़े से में ही इसको पूरा कैमरा चलाना आ गया, मीन्स पूरा नहीं पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए भी होता है, लेकिन अगर आपको मॉडरेट लेवल का सीखना है तो आप इस तरह सीख सकते हो और देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। जूम करो थोड़ा, क्वालिटी दिखाओ, अब पूरा क्वालिटी बढ़िया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए। और अगर आपको कैमरा को चलाना सीखना है, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं कैमरा कैसे चलाया जाता है उसका भी वीडियो बना दूंगा इंडिविजुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।